दोस्तों, रामायण एक कहानी है, एक कल्पना है, हमारा इतिहास है या दिव्य ग्रंथ है, मैं इस किसी वाद विवाद में नहीं जाना चाहता। न मैं अभी इसको धर्म की दृष्टि से बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मैनेजमेंट की टॉप डिग्री में जो हमें सिखाया जाता है, शायद वो रामायण का 5% भी हमें नहीं सिखाया जाता है। रामायण को आप लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, पंक्चुअलिटी हो, डिसिप्लिन हो, मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, कंकरिंग हो, आप देखेंगे रामायण ने आज से हजारों साल पहले जो मंत्रा जिंदगी के हमको सिखाए हैं, वो आज भी कोई भी अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं सिखा पा रहा है। तो दोस्तों, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, तो चलिए हम आगे रामायण की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं और उन घटनाओं को इंटरप्रेट करते हैं और मेरी इन कही गई बातों से जोड़ के देखते हैं कि मैं सही हूं या गलत। आपकी राय, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है और कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करता है कुछ ऐसा ही आगे बनाने के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा इमोशंस के शिकार रहे हैं, कभी भी रेशनल लेके डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ डिसीजन लेते हैं। वो इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, ईगो, एंगर, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, सोरो। और रामायण में भी कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, जहां जहां डिसीजंस इमोशंस के साथ लिए गए हैं वो सारे डिसीजंस गलत थे, और जो जो डिसीजंस रेशनल होके उस सिचुएशन में जो बात सही है उस तरह से लिए गए हैं, वो सारे डिसीजंस रामायण को रामायण बनाते हैं। भरत और शत्रुघ्न की माता केकई को मंथरा ये समझाती है कि देखो, तुम्हारा बेटा भरत राजा बनना चाहिए, राम को राज्य नहीं मिलना चाहिए। और केकई मंथरा की बात मान के राम का राज तिलक कैंसिल करवा देती है और राम को वनवास के लिए भेज देती है। साथ में सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं और श्री राम भी बिना किसी बातचीत या वाद विवाद के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंस में आप एक चीज देखिए, अगर केकई ने इस इमोशन के साथ मंथरा को नहीं सुना होता और यह सोचा होता कि राजा बनने के लिए किसमें सर्वश्रेष्ठ गुण है, हु इज द राइट एम्प्लॉई फॉर द जॉब, तो शायद केकई इस तरह का जिद नहीं करती। राम ने यह देखा कि यह जो भी बिजनेस, कॉरपोरेट किंगडम क्रिएट किया गया है, यह मेरे पिता द्वारा किया गया है। और श्री राम ने यह देखा कि नहीं यार, ये माता और पिता की आज्ञा है और मुझे इनकी आज्ञा माननी चाहिए और जंगल में चला जाना चाहिए या वनवास के लिए चला जाना चाहिए। उन्होंने एक बार भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं की। इसको बोला जाता है कि जो भी आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आप हमेशा उनकी कदर करो। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। राम को अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए उस सेक्रीफाइस करने में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आज भी आप देखिए, कहीं भी अगर आप अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए थोड़ा भी सेक्रीफाइस कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मैनेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है और एक लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और लक्ष्मण जी और सीता बिना किसी क्वेश्चंस के राम जी के साथ होते हैं, यानी एक पत्नी का जो धर्म होता है कि नहीं, तुम्हारी सक्सेस में मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम राजा बन रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ थी, चाहे तुम वन में जा रहे हो या कहीं भी रहना पड़े, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों, आज भी जहां रिलेशनशिप में पति और पत्नी के बीच ऐसी बॉन्डिंग है, वहां आप देखिए कोई इश्यूज नहीं मिलेंगे। कट टू नेक्स्ट सीन, राम जंगल पहुंच चुके हैं और वहां शबरी नाम की एक स्त्री जो श्री राम का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और जूठे बेर खिला के राम का स्वागत करती है और राम बड़े प्यार से जूठे बेर खाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कहीं भी कोई इंसान जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके प्रति समर्पित है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसको पैसों से और उसके स्टैंडर्ड से मत तोलना। हमेशा ये वही इंसान है जिसके पास शायद पैसा या स्टैंडर्ड नहीं है, पर वो अपने आप को आपके ऊपर न्योछावर कर सकता है। तो कभी भी ऐसे लोगों को जिंदगी में नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं तो आप बहुत बड़े खुशनसीब। फिर श्री राम का हनुमान जी से मिलन, हनुमान जी का सुग्रीव से मिलाना, राम जी का सुग्रीव को ये कमिटमेंट देना कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है मैं उसको सही करूंगा और तुम्हें किष्किंधा का राज्य वापस दिलाऊंगा। सारे कमिटमेंट के साथ राम जी का बाली को मारना, हनुमान जी को ये वचन देना कि हनुमान तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे सबसे प्रिय सिखाओ। और हनुमान जी का श्री राम के प्रति हर तरह का समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, मित्रता का भाव अपने आप में अतुलनीय है। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में आप अपना कमिटमेंट इस तरह से मैच करना सीख जाते हैं जैसा श्री राम ने किया, तो यकीन मानो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आप इतने सेक्रीफाइस और इतनी सेल्फलेसनेस के साथ किसी से दोस्ती कर लो, कहीं आप एम्प्लॉई बन जाओ,
आप मान के चलो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिले। इसी जगह एक बार ऐसा होता है जब सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन जाते हैं और माता सीता का पता नहीं लगाते हैं और उसमें टाइम लगा देते हैं, लक्ष्मण एक दिन जाके वहां गुस्सा होते हैं और उसके बाद में सुग्रीव अपनी गलती मानते हैं और वो आगे अपनी सेना को सीता माता का पता लगाने के लिए भेजते हैं। उस समय लक्ष्मण जी का वहां जाके गुस्सा करना, मतलब अगर जिंदगी में कोई गलत कर रहा है तो उसको प्यार से गुस्से से किसी तरह भी समझा के सही रास्ते पे लेना गलत नहीं। रावण द्वारा सीता माता का हरण करना और जटायु का उसको देखना और जटायु का माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देना, ये घटना हमें सिखाती है इंटीग्रिटी। अगर आपकी जिंदगी में आपके पास पैसा कम हो, आपके पास ताकत कम हो, आपके पास शोहरत कम हो, लेकिन दोस्तों अगर जिंदगी में कहीं कुछ गलत होता हुआ दिखे तो उसका विरोध जरूर करना है। जो भी आपकी क्षमता है उसके साथ उस चीज से पे डट जाना है कि नहीं बॉस ये गलत है। अगर आप कहीं एम्प्लॉय भी हो और आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉयर गलत डिसीजन ले रहा है, आपको एक बार विथ ड्यू डिग्निटी ये बोलना जरूर चाहिए कि सर आप ये डिसीजन ले रहे हैं लेकिन मुझे लगता है ये डिसीजन सही नहीं है, ये कंपनी के लिए खराब रहेगा, ताकि अगर कभी जिंदगी में वो चीज गलत हो तो उस एम्प्लॉयर को ये जरूर पता रहे कि नहीं यार इस आदमी ने ये बात मेरे मुंह पे आके बोली थी। हो सकता है उस समय एक बार आपको तकलीफ का सामना करना पड़े, शायद आपको डांट भी सुननी पड़े, पर बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ आपको अपनी ओपिनियन जरूर रख देनी चाहिए, आपको अपनी इंटीग्रिटी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। अब सागर पार सीता माता का पता लगाना है, सारी वानर सेना वहां खड़ी है और समुद्र को देख के सोचा जा रहा है कि यार कौन जाए कौन पता लगाए। तभी जामवंत जी हनुमान जी को अपना श्राप के कारण भूला हुआ बल याद दिलाते हैं। हनुमान जी अपनी देह बड़ी करते हैं और बड़ा ही वज्र जैसा शरीर करके लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां भी ये घटना हमें एक चीज बताती है, आपकी लाइफ में एक मेंटर बहुत जरूरी है कि आप जहां गलत हो उसको आपका सब कुछ पता है कि नहीं यार इसके अंदर ये पावर है लेकिन ये ठीक से यूज नहीं कर रहा है, ये ठीक से सोच नहीं रहा है। तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा मेंटोर जरूर होना चाहिए जो लाइफ में आप जहां भी अटको वहां वो आपको गाइड कर सके। इसको आजकल लोग कोच भी बोलते हैं, मेंटोर भी बोलते हैं, कंसल्टेंट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बोलते हैं, पर ठीक है अपने वर्ड पे नहीं जाते हैं। आपकी जिंदगी में दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, माँ हो, बाप आप हो, एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको आपकी सारी बातें सारी चीजें पता हो, जिंदगी में जहां भी आप अटको वो आपको हाथ पकड़ के आगे निकाल। अब हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं और समुद्र में सुरसा नाम की राक्षसी रहती है, हनुमान जी को वो रोक लेती है और अपना मुंह हनुमान जी को खाने के लिए खोलती है। अब सुरसा का मुंह 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन के, सुरसा ने अपना मुंह किया 8 योजन, हनुमान जी 16 योजन के, सुरसा ने मुंह किया 16 योजन, हनुमान जी 32, 64, 128, लास्ट में एक मच्छर बन के हनुमान जी उसके मुंह में जाके वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये इंसिडेंस ये भी बहुत छोटा है लेकिन सीख बहुत बड़ी है कि परिस्थितियां जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज्यादा उलझ रही है और हमेशा हम उनमें उलझते जा रहे हैं तो हमेशा उलझना समझदारी नहीं। कभी भी अपने को ये असेसमेंट करना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों से अब लड़ने में फायदा है या नहीं है। हमेशा परिस्थितियां एक तरीके से सोल्व नहीं होती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कभी कभी परिस्थितियों को स्मार्टली भी हैंडल करना पड़ता है। हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, उन्होंने वहां खड़ा होकर देखा कि यार लंका इतनी बड़ी है, इतने सारे राक्षस हैं, यहाँ एक विभीषण का घर है जिसके बाहर तुलसी माता का वृक्ष लगा हुआ है, तो उनको लगा यार एक तो सही आदमी है। फिर वो सीता माता का पता लगाते हैं। अब उनको लगा कि यार वापस जाके राम जी ने पूछा है एक एक राक्षस में ताकत कितनी होती है, बता तो नहीं पाएंगे, तो अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और वहां राक्षसों को मारते हैं कि यार इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी है, उनको पता चल जाता है। अब उनको लगा एक बार रावण को भी देख लिया जाए, वो चाहते तो वहां से वापस आ सकते थे लेकिन उन्हें लगा नहीं यार एक बार जाके पता तो करें। नागपास में बनना, रावण के सामने जाना, पूंछ में आग लगाना, ये सारा स्वॉट एनालिसिस का पार्ट है। तो दोस्तों जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, अपनी और सामने वाले की स्ट्रेंथ, अपनी और सामने वाले की वीकनेस, आपके पास लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और जो आदमी आपके साथ बिजनेस करना चाह रहा है या आपके साथ काम करना चाह रहा है वो आप में क्या अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है, ऐसी क्या थ्रेट हो सकती है जो आपको सामने वाले से मिल सकती है और सामने वाले को ऐसी क्या थ्रेट आपसे लग सकती है,
इसको SWOT एनालिसिस बोला जाता है। दोस्तों रावण को मार देने के बाद श्री राम लंका के ऊपर आराम से राज्य कर सकते थे, लेकिन यहां भी आप एक चीज देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि लंका में जाके किसी भी स्त्री जाति के साथ कुछ गलत किया गया, लंका में जाके श्री राम की सेना द्वारा किसी भी घर को लूटा गया हो, कहीं कोई गलत व्यवहार किया गया हो, कुछ नहीं। वो जितने भी लंका के सिटीजन थे उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली डील करते हैं और किसी भी जान माल को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया जाता है। दोस्तों ये चीज फिर ये दिखाती है कि जहां आपका अधिकार नहीं है और मजबूरी के अंदर कोई चीज आपको मिल भी रही है, तो आप देखो इसका हकीकत में वारिस होना, हु इज द राइट ओनर। राम जब वनवास गए उनके साथ कुछ नहीं था, राम जब वन में रहे उनके पास कुछ नहीं था, अयोध्या से निकल के वापस अयोध्या आने तक राम जी ने एक बड़ा किंगडम क्रिएट कर लिया था, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप क्रिएट कर ली थी। और इसके बेस में आज भी आप देखेंगे तो तीन ही चीज है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और कमिटमेंट। तो दोस्तों अगर जिंदगी में आप किसी से कुछ चीज कमिट करते हो और आप मान लीजिए वो कमिटमेंट मैच करते हैं ना, आप समझ लीजिए 1/3 आपकी लाइफ परफेक्ट है। नंबर 2, रिलेशनशिप। आपकी हर जगह रिलेशनशिप, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हो, आपके दोस्तों, आपका भाई हो, माता पिता हो, पत्नी हो, अगर आप रिलेशनशिप को इंटेक्ट रखते हैं, सेल्फलेस रखते हैं, उसमें एकदम भी स्वार्थ नहीं रखते हैं, आप देखिए जिंदगी का हर रिलेशन आपको कहां से कहां ले जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, आपको और अच्छा लगा हो और मेरे साथ जुड़े रहना हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट जरूर से करना है। इस वीडियो में कुछ गलतियां रही है तो वो कमेंट में बताइए, आगे किस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो सुनना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए।